यरोमन अन्योंग अश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सबने नोटिस किया होगा कि जब से BTS की 10th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन की अनाउंसमेंट की गई है, जब से आर्मी को हर दिन एक से बढ़कर एक सरप्राइज देखने और सुनने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सरप्राइज BTS मेंबर्स का ऑनलाइन आना और आर्मी के साथ अपना प्रीशियस टाइम स्पेंड करना है, जिसके लिए हमारी ग्लोबल आर्मी हमेशा ही तैयार रहती है। यानी ये कहा जा सकता है कि BTS मेंबर्स के ऑनलाइन आने का आर्मी को बेसब्री से इंतजार रहता है, और ऐसा ही कुछ कल से आर्मी को लगातार देखने को मिल रहा है कि कभी ऑनलाइन हमारे JK आए तो कभी सरप्राइज देने वी ऑनलाइन आ गए। लेकिन आर्मी सबसे ज्यादा सरप्राइज जब हुई जब उन्होंने बेबी मुची के ऑनलाइन आने की खबर पता चली। जी हाँ दोस्तों, कल जिमिन ऑनलाइन आए और आर्मी के साथ अपना प्रीशियस टाइम स्पेंड करते हुए ढेर सारे सीक्रेट्स रिवील करते रहे। तो मैं आपको इन सभी सरप्राइजेस के बारे में बताऊं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिसे BTS की कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, हमेशा की ही तरह जिमिन ने आते ही आर्मी से पूछा कि आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब मजे कर रहे होंगे। आगे जिमिन ने कहा कि आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों बाद अचानक मैं ऑनलाइन कैसे आ गया, तो मैं आप सबको बहुत मिस कर रहा था, इसलिए सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। आगे जिमिन ने कहा कि काफी टाइम हो गया हमें इस तरह ऑनलाइन आकर बात किए हुए, लेकिन आज मैं आप सबसे बातें करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। साथ ही जिमिन ने कहा कि मुझे थोड़ी भूख लग रही है, तो क्या मैं यहाँ आप सबके सामने कुछ खा सकता हूँ? लेकिन ऐसा करने से ये मेरा ईटिंग शो बन जाएगा। आगे जिमिन ने कहा कि मैंने दिन में थोड़ा सा चिकन ब्रेस्ट खाया था और जब से अब तक कुछ भी नहीं खाया, तो अब मुझे भूख लग रही है, इसलिए सोच रहा हूँ कि अब मैं कुछ घर पर ही बनाकर खा लेता हूँ। इसके बाद एक आर्मी गर्ल ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो जिमिन ने कहा कि अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा, बस आपसे बात कर रहा हूँ। इसके बाद जिमिन ने कहा कि आर्मी, 2 दिन पहले हमारी 10th एनिवर्सरी थी, तो मैं आपसे बात करने लाइव आने की सोच रहा था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इस दिन को अकेले ही सेलिब्रेट करने दूं। आगे जिमिन ने कहा कि आप सब ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड होंगे कि इन दिनों मेरी लाइफ कैसी चल रही है और मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो मैं इन दिनों रेस्ट कर रहा हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ और अपने म्यूजिक वीडियो पर काम करता हूँ। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इन दिनों मैं किसी वर्क प्रेशर में नहीं हूँ, इसलिए बस चिल कर रहा हूँ। इसके बाद आर्मी ने जिमिन को 10th एनिवर्सरी विश करना स्टार्ट कर दिया, जिस पर जिमिन ने कहा कि थैंक यू और आप सबको भी 10th एनिवर्सरी की ढेर सारी बधाई। आगे जिमिन ने कहा कि देखो, टाइम कितनी जल्दी फिसल जाता है, पता ही नहीं चलता, और देखना आने वाले 10-20 इयर्स भी ऐसे ही गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेंगे। इसके बाद एक आर्मी गर्ल ने पूछा कि आपके हेयर्स बड़े हो गए हैं या आपने न्यू हेयर स्टाइल कराया है? तो जिमिन ने कहा कि लास्ट 3 मंथ से मैं कोई सोशल एक्टिविटी नहीं कर रहा, इसलिए मैंने कोई हेयर कट भी नहीं कराया, इसलिए मेरे हेयर्स बड़े हो गए हैं। आप ऐसा मत सोचना कि मैंने कोई न्यू हेयर कट कराया है। और इतने में वी का मैसेज आर्मी को देखने को मिलता है, जिसमें वी कहते हैं कि तुम्हें 5 घंटे की व्यूवर्स लाइव करनी चाहिए, जिसका रिप्लाई जिमिन ने ये कहते हुए दिया कि अगर तुम 5 घंटे तक ऑनलाइन कमेंट करोगे तो मैं ऑनलाइन बना रहूंगा। ये सुनकर वी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। इसके बाद एक आर्मी गर्ल ने जिमिन से कहा कि आपको अपने हेयर्स कलर कराने चाहिए। इस पर जिमिन कहते हैं कि जब मैं हेयर्स कलर कराता हूँ तो आप सब कहते हैं कि ब्लैक रखो, और अब आप सब कह रहे हैं कि मैं कलर करा लूं, तो मुझे इस बारे में अभी सोचना पड़ेगा। इसके बाद जिमिन ने कहा कि अब मुझे तेज नींद आ रही है तो मुझे सोना होगा, और ये कहकर जिमिन ऑफलाइन हो गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको
ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सारंगे हो।